हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ही आज का। ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। मेरी इंग्लिश फंस जाती है तो वो सारे लफ्ज मिलाने पड़ते हैं। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में मैंने खुद अपने साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। सबसे पहले तो मेरे नेल इतने बड़े हुए हैं, मैं नेल कटर जब भी ढूंढता हूँ, जब भी मुझे नेल काटने होते हैं ना, मैं अपना नेल कटर ढूंढता हूँ, मुझे मिलता नहीं है, फिर मुझे नया लेके आना पड़ता है। अभी कल मैंने फिर ढूंढाया, मुझे फिर नहीं मिला, आज मुझे नया लेके आना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रदर्स किबाब एनडेल में, पैरामटा रोड पे, वहां से खाना है ना। उसके बाद यार आगे मेरे लर्नर वाला है, 40 पे जा रहा है 60 के जोन में, इससे तो पीछे हूँ। तो भाई मुझे आज जॉब से छुट्टी थी और आज है भी सैटरडे था, ऊपर की बहुत अच्छी प्रमोशन आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्या उसका नाम है, करते हैं अपना ऊबर करूंगा। सुबह उठूंगा 10 बजे, ऊबर पे निकलूंगा और रात को तकरीबन 12 घंटे ऊबर करूंगा और अच्छे पैसे, अच्छे $400 बना के आऊंगा। तो मैंने 10 बजे का अलार्म लगाया था, 10 बजे अलार्म बजे, मैंने उसे बंद किया, 10:30 का लगा दिया। मैंने कहा आधा घंटा और सो लेता हूँ, 10:30 बजे, मैंने कहा चलो आधा घंटा और सो लेता हूँ, 11 बजे उठूंगा। मैंने अलार्म बंद कर दिया लेकिन दोबारा अलार्म लगाना भूल गया और मुझे जाग आई 3 बजे। तो अभी हो गए हैं 3:41 और मैं ब्रदर के पास जा रहा हूँ, 10 मिनट्स में वहाँ पहुँचूंगा। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई वर्क को लेके बहुत 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 ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाई वर्क के बारे में बताओ, ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है वर्क का। तो भाई ले रास्ता, हाँ तो भाई क्या उसका नाम है, वर्क को लेके सीन ये है कि कब ये अनलिमिटेड वर्क का क्या है, 20 आवर 40 आवर, ये वो फ्लाडूंगा, ठीक है सारा कुछ उसमें क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है, स्टूडेंट वीजा पे हो आप लोग, तो आप पे वर्क रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप फोर्टनाइटली 40 आवर्स वर्क कर सकते हो, मतलब आप 14 दिन में 40 घंटे काम कर सकते हो यहाँ पर लीगली, ठीक है। अब उसमें वीक के बन जाते हैं 20 आवर और फोर्टनाइट के बन जाते हैं 40 आवर, ठीक है। और उसके अलावा जब आपका होता है सेमेस्टर ऑफ, मतलब आप छुट्टियां होती हैं, आप स्टडी नहीं, आपको छुट्टियां होती हैं, आप स्टडी नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम आप लोग काम कर सकते हो, तो उस टाइम आप लोग काम कर सकते हो अनलिमिटेड, मतलब 40 आवर से ज्यादा काम कर सकते हो, ठीक है उस टाइम में। तो अभी क्या कर रखा है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, कि जब से इन्होंने अपना क्या उसका नाम है, कोरोना के बाद स्टूडेंट्स आए हैं ना, तो इन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है आप 40 आवर से ज्यादा काम कर सकते हो वाइल स्टडिंग, मतलब स्टडी के दौरान भी आप 40 आवर से ज्यादा काम कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्शन अभी कोई नहीं है और ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगी 30th of June तक और 1st of July से ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा पुरानी रिस्ट्रिक्शन वापस आ जाएंगी, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 20 आवर पर वीक और 40 आवर फोर्टनाइट वाली, और जब हॉलीडेज होंगे तब आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। तो ये सीन है वर्क का ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये देखें अब ये कैन जो भी हम लेंगे ना इधर से वो है फ्री। पूछो क्यों, बिकॉज इन्होंने रखा हुआ है कि ड्राइवर जो भी आएंगे इधर खाना खाएंगे, ठीक है, डेली ड्राइवर्स या टैक्सी ड्राइवर्स या उबर ड्राइवर्स, उनको ये फ्री देते हैं। भाई आप ना मेरा चिकन स्नैक पैक मैं खा लूँ, उसके बाद बात करते हैं, उबर मैंने ऑन कर लिया है। देखें तो भाई मुझे एक उबर का ऑर्डर भी आ गया था इधर से ही, तो मैंने वो भी उठा लिया और वो लेके जा रहा हूँ मैं मैरी क्वीन। और जो मैंने मेन बात आप लोगों को बतानी थी, मैं बता रहा था कि ये है एनडेल में सिटी के पास, ठीक है। तो क्या उसका नाम है, इधर बहुत से ड्राइवर्स रात को आप देखेंगे ना, इधर अगर आएंगे ब्रदर की वापस, तो सारे टैक्सी वाले होते हैं, तो इनके एक तो रेट बिल्कुल ठीक है, मतलब नॉर्मल है, उतने ही है जितने बाकी होते हैं, बट ये लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी उबर ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं और डिलीवरीज करते हैं, उनको ये सारा ड्रिंक फ्री दे देते हैं। अगर आप कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आपको ड्रिंक कैन किबाब कहीं से भी $12 का नहीं मिलेगा, इनका किबाब $12 का है, साथ ये ड्रिंक फ्री दे देते हैं आपको, ठीक है। वैसे 350 की है, तो आप बहुत से लोग कहेंगे भाई हम इतनी दूर से पीने आए हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ भाई जो लोग इधर होते हैं, ये एक पीछे रोड जाता है 1 किलोमीटर न्यू टाउन है, न्यू टाउन में बहुत से ड्राइवर साइकिल्स पे करते हैं उबर ईट्स उबर डिलीवरीज वगैरह, और बहुत से लोग स्कूटर पे करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ठीक है, अगर आप लोगों ने किबाब खाना यहाँ पे आके खा लो यार, आपको $12 में एक टाइम का आपको खाना मिल रहा है। सिडनी वैसे बहुत महंगा है, ठीक है, सिडनी में क्या उसका नाम है यार, गर्मी लग रही है थोड़ा सा,
सिडनी में वैसे भी क्या उसका नाम है बहुत ज्यादा महंगाई है। मेलबर्न में मुझे $13-14 में किबाब का मील मिल जाता था, सिडनी में 20 से कम बात नहीं होती कहीं में भी, ठीक है 17-18-19-20। और स्नैक पैक तो भाई 20 से कम मिलता ही नहीं है। वो देखे भाई याद है। तो भाई इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं करता हूँ खत्म, और ये लोग भी अच्छे हैं ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। मैं ऊबर करने लगा हूँ, वीडियो मैं नहीं बना रहा बिकॉज उन्होंने बताया कि आज बहुत क्वाइट चल रहा है, तो क्वाइट चल रहा है तो मुझे काम करना होगा बिकॉज पैसा नहीं है। 6 दिन मैं फ्री रहा हूँ, न्यू ईयर ईव से लेके 4 जनवरी तक, 5 दिन मैं घर रहा हूँ। एक कसम से ऊबर भी नहीं की मैंने, इतना मतलब जॉब से छुट्टियां थी, ऊबर भी नहीं की, घर रहे हैं। ब्लू माउंटेन्स चले गए थे, उसका व्लॉग आएगा नेक्स्ट में वीडियो में, तो वो यार जरूर देखना, उस पर मैंने थोड़ी मेहनत की है ठीक है, थोड़ी सी एक अच्छा सा बनाने की कोशिश की है उसे। ऐसे नहीं कि बस यहाँ पे आ गए हम, अब यहाँ पे आ गए, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा बनाया उसे ठीक है। उधर हाइकिंग भी की थी, तो अब बोल ही जा रहा हूँ। तो अब मैं वीडियो करता हूँ खत्म, मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।